हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन ए हम सॉल्व करें जो एक नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो पार्ट 3 आ चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो का हमारे पार्ट 4 है। आई थिंक हम 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप जाके देखिए। और आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन आई थिंक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एस टीच, लाइक, शेयर। ओके, तो आज का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो मौसा ए बी गुड़े लसा ए बी इजकल टू क्या आएगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन एच सी एफ ए बी मल्टीप्लाई एच सी एफ ए बी इज इक्वल टू। ऑप्शन दिया रखा है, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, सपोज दो नंबर हैं, तो उनका एच सी एफ का जो होगा, एच सी एफ का जो ए बी होगा मल्टीप्लाई एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए गुड़े बी यानी ए क्रॉस बी यानी ए मल्टीप्लाई ए बी होता। मतलब कोई दो नंबर हैं उनका एच सी एफ और उनका एल सी एम का गुणनफल उस नंबर दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ ऑफ ए बी एंड एल सी एम ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए बी, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई। तो ये इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला बस पूछा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। अब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, एक्स बराबर क्या होता है 0 और एक्स एक्सिस पे वाई बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है कि वाई एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए इस ऑप्शन में कि कौन सा इसमें एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ये तो 0 नहीं है, तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये होगा, ए नहीं होगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन था, बिल्कुल ही था, इसमें कुछ नहीं था, बस एक्स एक्सिस पर वाई बराबर 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स बराबर 0 होता है। अब देख लो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 24 पे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन 24। यदि बिंदु 4P और 1,0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 4P एंड 1,0 इज 5 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ P। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये तो आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखो और उसको एक्स वन वाई वन सही ढंग से इक्वेट कर लो। ये हमारा होता है एक्स वन, ये होता है वाई वन, ये हमारा होता है एक्स टू और ये होता है हमारा वाई टू। ओके, अब हमारा डिस्टेंस कितना, दूरी डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस या जिसे हम दूरी भी कहते हैं कितना दिया है, 5 दे रखा है। अब हमारे पास फार्मूला है कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते करने का एक फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसे हम दूरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो रखिए यहां पे 5। एक्स टू कितना हमारा है 1 है, एक्स वन कितना है 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वाई टू कितना है 0, वाई वन कितना है p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आगे करना क्या इसमें है, इसमें आगे आपको क्या करना है, इनको दोनों पक्षों का इसमें आप बर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से 5 आएगा, 5 का स्क्वायर यहां से रूट क्या होगा रिमूव हो जाएगा, इसमें से कौन बड़ा है 4 बड़ा है, तो -3 का
होल स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस पी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से क्या आएगा 25 9 और यहां से क्या आएगा पी स्क्वायर। मैं यहां साफ कर रहा हूं, तो 25 माइनस 9 पी स्क्वायर, स्क्वायर का करिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16 पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इजकल टू रूट में 16, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, और एक चीज और, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस दोनों लोग रूट से बाहर होगा तो क्या करेंगे हम, प्लस माइनस दोनों हम लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, बी जो प्लस माइनस दे रखा है, यानी जो पी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं प्लस 4 और माइनस 4 दोनों हम ले सकते हैं। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये आपका ये 24 था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, देख लेना इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर इज कितना आएगा, दो लगातार विषम संख्याओं का क्या होगा एच सी एफ क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आप एग्जांपल से ले सकते हो, इसका तो वन ही आएगा, आप देख सकते हैं। चलो हम ले लेते हैं दो लगातार विषम संख्या 3 और हम 5 लेते हैं, दो लगातार हमें क्या लेना है, दो लगातार विषम संख्या लेना है, यानी आठ नंबर लेना है और लगातार होने चाहिए। ठीक है, क्रमागत आप इनका ले लीजिए एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ 3 5 1 आएगा। अब कोई भी एग्जांपल लेकर देख लेना, प्रूफ देखना हो तो किताब में आप देख लेना लेके, लेकिन हम ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें ट्रिक करने से मतलब है। ठीक है, आप देख लेना कोई भी ले लो, जैसे हम 7 और ले सकते हैं, 7 और 8 9 ले सकते हैं यहाँ पर, इसका भी आप एचसीएफ जो लोगे वन ही आएगा, ये ऑप्शन का क्या होगा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक वर्ग क्या होगा, व्हाट विल बी द मॉडल क्लास फॉर द फॉलोइंग डाटा, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, 15, 13 और 12। इस क्वेश्चन में आपसे मोड नहीं निकालने के लिए पूछा है, ये नहीं आप देखिए कि क्वेश्चन अब लगे फार्मूला लिख के मोड निकालने, एक नंबर का पूछा है तो कुछ अलग पूछा होगा। इसमें आपसे बस इतना पूछा है कि जो इसका मोड है यानी बहुलक किस इंटरवल में आएगा, किस क्लास इंटरवल में आएगा, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी क्लास इंटरवल में उसका आता है बहुलक। हाँ, देखिए यहां पर सबसे बड़ा कौन नंबर कौन सा है, 15 है, तो इसका हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा 20 to 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं इसमें, बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका था ये 26। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रोबेबिलिटी पे का है, लास्ट चैप्टर वाला जो प्रोबेबिलिटी है उस पर बेस है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पीई इजकल टू 3/7 हो तो पीई नहीं है। ठीक है, इफ पीई इजकल टू 3/7 देयर पी नॉट ई इज 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां देखिए, वी नो दैट पीई प्लस पीई मतलब पी नहीं नॉट ई इजकल टू 1। ठीक है, तो यहां से तो हमें क्या पूछा जा रहा है, नॉट ई पूछा जा रहा है, मतलब पी नहीं है ई नहीं है, तब होने ना होने का सम कितना होता है, 1 होता है। एक हमको होने का सम कितना दिया है, पी होने वाला कितना है 3/7, तो इसको आप राइट साइड लेके जाइए, यहाँ से पीई को राइट साइड ले जाइए तो 1 माइनस ये पीई हो जाएगा, पीई हमें पता है 3/7, वैल्यू पुट करिए इसमें गुणा करते हैं 7 3 गया 4 4/7, एंड इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का सम जो है 1 होता है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एक नंबर में अच्छा ही तो क्वेश्चन आएगा, इजी बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है निम्न गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या है, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। अब 18 का ऐसा फैक्टर करिए यहाँ पर कि एक फैक्टर 3 हो दूसरा मिसिंग है। तो सिंपल है, 18 का फैक्टर 6 × 3, यहाँ पर क्या फिर 3 फिल हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बचा 6 बचा, तो इसमें 6 फिल कर दो। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है। फैक्टर करना था, फैक्टर करके देख लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है इसका पहले फैक्टर करना, देखना एक नंबर इसमें के साथ कौन है पेयर मतलब बना हुआ है, जो दूसरा पेयर बचेगा वहां पर आप इसको पुट अप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 3 और 2 क्रमशः एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 3 and 2 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 3 और 2 है, ठीक है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है 3 और 2 है। तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला इसमें लिखिए आप, क्या होता है फॉर्मूला इसका, आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारा 3 दिया है, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारा 2 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और एक हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आइए देखते हैं। अगर हमें शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्य का गुणनफल पता हो तो कैसे पॉलिनोमियल निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, नोट करो इसको फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारा 3 दिया हुआ है, तो रख दो अल्फा प्लस बीटा 3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमारा 2 दिया है, हो गया आंसर, बस इतना ही करना था हमको। अब हमारे ऑप्शन में आप देखिए कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर से कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर से कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी बी हमारा सही है क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 29 था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि x बराबर 3 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात करो। इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक जो रूट उसका दिया हुआ है वही एक्स की वैल्यू आप उसी क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है, आराम से के पी जो भी वैल्यू पूछता है वो इजीली निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर 2kx माइनस 6 बराबर 0, कह रहा है इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, ठीक है, यानी 2 उसके रूट होंगे, तो एक रूट कह रहा है एक्स बराबर क्या है 3 है, तो k का मान ज्ञात करो, वही वैल्यू रख दो k का मान निकल जाएगा यहां से। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2k मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 9 माइनस 6k माइनस 0, अब 9 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 6k। अब क्या करना है आपको, इसको आप राइट साइड लेके जाइए तो यहां से 6k यानी k इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6 1/2। इस जो भी क्वेश्चन आज लगवाया गया है इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये हो सकता है कि डिजिट क्या हो एक्सचेंज हो, मतलब लॉजिक मेथड क्वेश्चन बेस इसी तरह का आएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत मिलेगा क्वेश्चन देखने को आपको, सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा भी जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक्स के जगह पे थ्री पुट कर दीजिए, यहां से आपको के इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा एक के बराबर 1/2 सेकेंड के, बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक 50-100 क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ए में। ठीक है, तो वीडियो का ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 जल्दी हम लेकर आएंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।